बताते चले, महिला से हैवानियत के मामले को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। पीड़िता गर्भवती बताई जा रही है। पीड़िता 6 से 7 महीने की गर्भवती है। पीड़िता को मेडिकल के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया। आरोपी पति समेत कुल 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अन्य आरोपियों की तलाश अभी भी लगातार जारी है। तो जिस तरीके से बर्बरता की गई थी, उसके बाद ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि पीड़िता गर्भवती भी है। किडनैपिंग प्लस निर्वस्त्र करके घुमाना, उसमें जो मेन थे 8 लोग थे, उसमें 7 हो गए और 1 बाकी है वस्तु का। दीदी में वन वाले सब गड़बड़ो की दो है, कपड़ा खोल दिया ने, ये कूट मारने की दी है, कपड़ा फाड़ दिया, इधर लूट आई दी। जाते हैं 10-11 बजे छोड़वा यार हम घरे। घर छोड़वाना है 4-5 जना। तो कौन कौन सा नाम थी? नाम तो पतो है ना साहब। संधाना कैसे छोड़वा? बटे घरे छोड़वा या जना में जाओ, एको जरियो फाड़े बीजा हंगला नायगा थोड़ी थोड़ी। आरोपी कौन है जनी ये हरकत की थी? ये आने का पति से। अच्छा, तो ये छोरी 15 दिन पहले भी और किसी दी थी ना? 15 दिन पहले नहीं दी थी साहब जी। बिल्कुल, एक बार फिर से राजस्थान शर्मसार है। प्रतापगढ़ में जो हुआ वो राजस्थान में आपने देखा होगा, बार बार हो रहा है, लेकिन इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी। ये इंसिडेंट 2 दिन पहले हुआ था। 2 दिन से पुलिस या प्रशासन को कुछ भी उन्होंने नहीं किया। जब ये वीडियो वायरल हुआ तब जाके वो हरकत में आए प्रशासन में, और अब जाके उन्होंने कुछ थोड़े बहुत अरेस्ट किए हैं। देखिए, राजस्थान में जिस तरह से महिलाओं पे अत्याचार लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उस पर रोक भी ये कांग्रेस की सरकार नहीं कर रही। और कैसे हिम्मत होती है किसी को कि अपनी पत्नी के साथ इस तरह की हरकत करे? पति ने की, उसके परिवार ने की। उनकी हिम्मत इसलिए बढ़ती है क्योंकि यहाँ के जो मंत्री हैं वो ये कहते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है। ये पूरा मामला मेरी जानकारी में नहीं है, क्या मामला क्या है? ये क्या सर, एक बार महिला भागी की पहले प्रेमी के साथ में, तो उसका पति उसको ले गया गया, उसको उसके बाद में परिवार के लोगों ने उसको गांव घुमाया। ऐसा कोई भी कृत्य कर रहा आप ये मान के चलना, चाहे वो खुद पति हो, उसके परिवार के लोग हो, किसी को बख्शेंगे नहीं। राजस्थान में एक भी अपराधी सुन ले, सावधान रहे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। आप जान रहे हैं आजकल सख्ती से कार्रवाई होती है और किसी को नहीं छोड़ेंगे। दरियाबाद में हुई महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले में भाजपा लगातार हमलावर हो चुकी है, और इस वक्त जिलाध्यक्ष और भाजपा के नेतृत्व में यहां पर प्रदर्शन किया गया और SDM को ज्ञापन सौंपा गया। इस वक्त हमारे साथ भाजपा के जिलाध्यक्ष और कई पदाधिकारी मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं कि भाजपा इस मामले को लेकर के क्या कहना चाहिए। जो मामला हुआ इसको लेकर 31 तारीख को सायंकालीन घटना पहाड़ा ग्राम पंचायत का फैला है, वहाँ पर कुछ लोगों ने गर्भवती महिलाओं का ब्लेड द्वारा उसके कपड़े काटे गए। कपड़े काटने के बाद उसको गांव में घुमाया गया। तत्पश्चात उसी फले के कुछ लोग उसका जो पियर है गांव चरी गांव वहाँ ले जाकर उसको छोड़ दिया गया। प्रशासन 31 तारीख को रात को भी सोया रहा, 1 तारीख को भी सोया रहा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सक्रियता से वहां जाकर पीड़ित पत्रकारों से मिला, तब यह घटना उजागर हुई है। गहलोत कांग्रेस सरकार लगातार महिलाओं पर, बालिकाओं पर अत्याचार हो रहा है, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, जबकि उनकी राजकुमारी कांग्रेस की प्रियंका गांधी कहती है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन राजस्थान में नहीं लड़ सकती। इस प्रकार की जो कांग्रेस की दोगली नीति है, हम मांग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करें और राष्ट्रवाद लागू करें। इस वक्त मंत्री भी मौजूद है, आज क्या कहना चाहेंगे पूरे घटनाक्रम को लेकर? राजस्थान में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है, जंगल राज जो राजस्थान में चल रहा है उसका एक दृश्य इस दरिया विधानसभा में जो हमारे पहाड़ा गांव है उसमें देखने को मिला। यहाँ समाज में एक अपवाद के रूप में जो लोग थे, उन लोगों ने एक गर्भवती महिला के साथ जो निंदनीय कृत्य किया, जिसको निवृत्त कर गांव में घुमाया, निश्चित तौर पर कानून का एक तरह से फेल्योर है। और राजस्थान में कानून की महिला में अत्याचार में वैसे भी राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 था, और आज वही दृश्य इस दरिया क्षेत्र में देखने को मिला। पूरे क्षेत्र में इस घटना से जबरदस्त आक्रोश है, और हम सब ने मांग की है कि राजस्थान की इस गहलोत सरकार को बर्खास्त किया जाए और राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए।
आज जो घटना हुई है बहुत निंदनीय घटना हुई है, गलत हुई है। जो सरकार ने महिला को आगे बढ़ने की हिम्मत देता है, लेकिन आगे बढ़ने की ठीक बात है, लेकिन जो महिला के साथ हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। हमें भी मतलब महिला को इस तरह से न्यूज सुनी तो बहुत बड़ा से दुख हुआ हमें कि महिला के साथ इतनी बड़ी घटना हो रही है। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ, व्यवस्था के बारे में राजस्थान सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है और राजस्थान में जंगल राज चल रहा है। हम पार्टी के समस्त पदाधिकारी कार्यकर्ता मांग करते हैं कि गहलोत सरकार को तुरंत बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। कानून व्यवस्था बिल्कुल नहीं के बराबर है और सरकार हर काम में पहल हो चुकी है। मैं यही है तो मांग करता हूं राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। चंचल सनाग, न्यूज 18, दरियावत। रुक लेते हैं बड़ी खबर का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यक्रम में एक बड़ा बदलाव किया गया है। सीएम अशोक गहलोत अब दरियावत जाएंगे। मोबाइल वितरण कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। नीमका थाना जाने का भी जो कार्यक्रम था उसे भी रद्द किया गया है। तो प्रतापगढ़ के दरियावत में जो घटना घटी है वो मानवता को शर्मसार करने वाली है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब तमाम कार्यक्रमों को रद्द कर सीधे दरियावत पहुंचने वाले हैं। हो सकता है पीड़ित परिवार से भी मुलाकात करें, ढांढस बंधाए, क्योंकि कई खास कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से थे। मोबाइल वितरण कार्यक्रम था जिसे अब रद्द किया गया। इसके साथ साथ नीमका थाना जाने का भी कार्यक्रम था उसे भी रद्द किया गया है। और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दरियावत पहुंचेंगे तो पीड़ित महिला से भी मुलाकात करेंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अब खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दरियावत पहुंच रहे हैं, वहां पर पीड़ित महिला से मुलाकात करेंगे और उनकी ओर से ढांढस बंधाया जाएगा। हालांकि पुलिस की ओर से लगातार कार्रवाई जारी है। अब तक 7 आरोपियों को मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बीजेपी लगातार इसे लेकर हमलावर है। बीजेपी की ओर से एक टीम वहां पर पहुंच चुकी है और लगातार इसे लेकर सरकार को घेरने की भी कोशिश की जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर पर कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तमाम कार्यक्रमों को रद्द कर अब खुद सीधा दरियावत पहुंच रहे हैं और पीड़ित महिला से मुलाकात करेंगे। तो प्रतापगढ़ के दरियावत से इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महिला से हैवानियत के मामले को लेकर बड़ा अपडेट आपको बता दें, पीड़िता गर्भवती बताई जा रही है। पीड़िता 6 से 7 महीने की गर्भवती है। पीड़िता का मेडिकल करवाया गया, उसे चिकित्सालय भेजा गया, जिसके बाद ये सूचना निकल कर सामने आ रही है। आरोपी पति समेत अब तक 7 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन अन्य आरोपियों की तलाश अभी भी लगातार जारी है। दरियावत में महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले का वीडियो सामने आने के बाद हरकत में आई पुलिस ने अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, वहीं 4 लोगों को डिटेन किया है। इसमें नाबालिग भी शामिल है। लगातार पुलिस की दबिशें जारी है। पुलिस इस मामले के अंदर पीड़िता के बयान के बाद और भी लोगों को डिटेन कर सकती है, क्योंकि अभी हाल ही में यहां पर आईजी भी पहुंची और उन्होंने इस घटनाक्रम की जानकारी ली। उसके बाद में एडीजी दिनेश हेमन भी यहां पर पहुंचे और उन्होंने सारे घटनाक्रम की जानकारी लेकर के और जो अधिकारी हैं उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अभी ये सूचना आ रही है कि इस मामले को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी प्रतापगढ़ के दरियावत पहुंचेंगे और पीड़िता के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अभी दरियावत थाने के अंदर जो है अधिक उच्चाधिकारी और मौजूद है और काफी गहमा गहमी का माहौल है। यहाँ पर दरियावत विधायक भी थाने के अंदर मौजूद है। इसके साथ ही कांग्रेस जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह राणावत भी यहाँ पर हैं। आइए हम बात करते हैं, यहाँ पर विधायक जी से बात करने की कोशिश करते हैं, वो इस मामले को लेकर के क्या क्या सोचते हैं। सर, ये जो पूरा मामला हुआ है इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? जी, अभी बात में लगे हुए हैं। हम कांग्रेस जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह राणावत जी से चाहेंगे कि वो इस मामले को लेकर के क्या सोचते हैं। अभी क्योंकि कोई भी जो इस मामले की गंभीरता को लेकर के सारे अधिकारी और ये घटनाक्रम की जानकारी लेने में ही लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जुड़े लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो शेष आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं। चंचल सनाट, न्यूज 18, राजस्थान, दरिया।